एवरीवन, दिस इज मी तनवीर पंवार। तनवीर पंवार आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है, आज एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ, तुर्की के हवाले से। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़रूरी टॉपिक, वो है तुर्की का रेजिडेंट परमिट, जिसको लोग TRP या TRC भी कहते हैं। उसके बारे में बात करूँगा और बहुत छोटी बात करूँगा और बहुत ईजी बात करूँगा, जो आपको समझ आए और समझ आने के साथ साथ आपको बहुत इजी लगे, मुश्किल ना लगे। ठीक है, कहते हैं हज़रत अली का कॉल है, जो काम बहुत आसानी से हो सकता है और बहुत इजी तरीके से हो सकता है, उसे मुश्किल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये काम बहुत इजी है उसको इजी तरीके से बताऊंगा, और आपने सिर्फ बातों को सुनना है, उसको वैसे ही अमल करना है। इंशाल्लाह आपका डेफिनेटली कार्ड बनेगा और आप अपने एक दूसरी कंट्री यानी दूसरे मुसलमान इस्लामिक कंट्री तुर्की में रहायश भी इख्तियार कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा पैगाम आप सब फैमिलीज़ के लिए, सब भाइयों के लिए। 14 अगस्त मेरी तरफ से सबको दिल से बहुत मुबारक हो। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। आप सब लोगों को अपने मुल्क को ख्याल करना है, मुल्क की हिफाजत करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो है सफाई। सफाई नफ्स ईमान है, उसका ख्याल रखें अपने मुल्क को, चाहे कोई और साफ करे ना करे, हमें करना है। अपने घर के इर्द गिर्द जो भी हो सकता है, अपने आस पास जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है हमसे, हम आज से इस 14 अगस्त को वादा करते हैं कि हम अपने हिस्से की सफाई, हम अपने हिस्से का निसीमान पूरा हक अदा करेंगे, उसको अमल करेंगे। ठीक है, चलते हैं। के लिए रिहाइश इख्तियार करनी है तो उसका एक ही तरीका है, वो है कुछ लोग उसको TRC, कुछ लोग उसको TRP और कुछ उसको रेजिडेंट परमिट कहते हैं। आपने सबसे पहले वहाँ पहुँचना है, अगर आपका वीज़ा 10 दिन का है, आपने जैसे ही जाना है, जाते ही आपने वहाँ पर एक दिन रहना है। उसके बाद आपने जाके वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ऑनलाइन, जिसका मैं आपको यहाँ पे डेटा डाल दूंगा। ठीक है, वो आपने उसके अंदर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पहले दिन बैठ के ऑनलाइन भर सकते हैं, जैसे आम फॉर्म होते हैं जैसे हम यहाँ भरते हैं, वो इसी तरह के फॉर्म है। वो आपने उसमें वो अपनी डिटेल डालनी है, तस्वीरें आप वहाँ से ही बनवाइएगा, यहाँ से मत बनवाइएगा। अगर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से बनवा के ले जाएँ तो वो आपका टाइम और पैसा दोनों ख़राब करते हैं। ठीक है ना, कुछ लोगों के कहने पर लग जाइएगा कि वहाँ पर घर सस्ते मिलते हैं, मिलते हैं सस्ते, इतने भी सस्ते नहीं मिलते। जैसे कुछ यहाँ पे हमारे भाई थे जो वहाँ पहुँच गए हैं, वो कभी पता करा नहीं, किसी किसी को कह रहे थे कोई गांव में रहता है, किसी को कहते हैं कोई पिंड में रहता है, कभी किसी को कहते हैं वो बेचारा गरीब आदमी है, कभी कभी उसकी कभी उसके कपड़ों की बुराई करते हैं, कभी उसके सोफ़ों की बुराई करते हैं, कभी उसके घर की बुराई करते हैं, कभी उसके शहर की बुराई करते हैं। तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। हम सब इंसान हैं, किसी को अल्लाह ने ज़्यादा, किसी को कम, सबको इज़्ज़त अल्लाह देता है, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। वो एक साहब है, उसको आपने ज़रूर देखा होगा, उसकी वीडियोस देखी होंगी आप में से काफ़ी हमारे भाइयों ने, जो ये कहता फिर रहे हैं कि वहाँ घर बड़े सस्ते हैं, जो उनकी वीडियोस देखें आप, उसमें लिखा होता है कि वो 10 लाख में घर मिल जाएगा, 12 लाख में घर मिल जाएगा, सब बकवास है जी। आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, साहिब बिंदन डॉट कॉम, उसके अंदर आप देख लें, उसको आप लॉग इन करके उसमें आप बड़े सस्ते घर, अच्छे घर देख सकते हैं। मैं उस पर भी अगर आप कहेंगे, बात यह है कि अगर आप मुझे रेस्पॉन्स दें, आपका मेरे पर रेस्पॉन्स आए, आपके कमेंट बॉक्स मेरा भरा होना चाहिए। कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आए TRC के हवाले से, इसीलिए आज मैं TRC के ऊपर आप वीडियो बना रहा हूँ और शॉर्ट करके बनाना चाहूँगा, जो आपको ईजी जमान में समझ में आए और जल्दी समझ में आए। ठीक है, प्रॉपर्टी फिर किसी दिन बात करेंगे। ये मौसूफ़ ने गलत बयानी की थी, बहुत अफसोस हुआ, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप किसी की बातों में ना आए, आपको जो ठीक लगे, सही लगे, सिर्फ वही करिएगा। ठीक है, अभी आते हैं अपने रेजिडेंट परमिट के ऊपर पे। आपने जहाँ रुक के अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आपने घर ढूंढना है किराए का, किराए का घर मिल जाएगा आपको। अगर मिल जाता है, आपका जो रेंट बनता है उस हिसाब से आपको वहाँ पे घर मिलेगा। वहाँ पे घरों के मुख्तलिफ रेंट्स हैं, छोटा घर लेंगे जी वो कम रेंट में पड़ेगा, 1000 का भी मिल जाएगा, 800 का भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। कोई बड़ा घर देखेंगे 2+1, 3+1, तो फिर वो 2500, 3000, 4000 तक भी आपको मिल सकता है। एडवांस किराया आपसे वो लेंगे, तकरीबन एक साल का पूरा एडवांस आपको किराया हो सकता है एडवांस में ले लें आप, 7 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, डिपेंड करता है जी मालिक की अपनी सोच के ऊपर और मालिक के जो है ना डिमांड्स के ऊपर कि आपको एडवांस कितना लिया जाता है। फिर आपको घर मिलना है, रेंट एग्रीमेंट ले जाके आपने वहाँ पे गवर्नमेंट का ऑफिस, उसका मैं एड्रेस दे दूंगा, उसकी वीडियो के अंदर मैं शामिल कर दूंगा। आपने उस एड्रेस को किसी भी टैक्सी ड्राइवर को दिखाना है, वो आपको उस ऑफिस में ले जाएंगे जिसको वो इमिग्रेशन ऑफिस हम कहते हैं, वो उसे कहते हैं गोज इदारसी। ठीक, 1 साल की मयाद होनी चाहिए, वरना वो आपको कैंसिल कर देंगे, आपको TRC नहीं देंगे, और अगर आपको देंगे भी तो 2-3 महीने का देंगे, वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, फिर आप इसमें आपने अपने पासपोर्ट में 1 साल का टाइम रखना है,
इसके अलावा आपने वहाँ पर अपने लिए एक अच्छा घर ढूंढना है जहाँ पे आप सुकून से रह सकें। उसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके साथ आपको जाना है नोटर के ऑफिस, नोटर के ऑफिस जाके आपने उसको स्टैम्प्स वगैरह करानी है, स्टैम्पिंग वगैरह हो जाएगी उसका, आपने टेस्ट स्टैम्पिंग वगैरह हो के नोट्स की, आपका जो पासपोर्ट है उसको भी स्टैम्प्स होंगी, उसको भी ट्रांसलेट किया जाता है, आगे दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी ट्रांसलेट किया जाता है, ट्रांसलेशन का जो खर्चा आता है ट्रांसलेट करने का तुर्की जबान में, वो खर्चा आपने देख लेना है, थोड़ा बहुत ही आता है, ज़्यादा नहीं, वो आपने पे करना है। इसके अलावा वो है आपने उसे जमा कराना है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें ले जाके गोज इदारसी के ऑफिस में ले जानी है, जिसमें क्या है आपका शनाख्ती कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपका जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने ऑनलाइन फिल किया, बहुत ईजी आराम से हो जाता है। ये तीन चीज़ें चार चीज़ें अपने साथ आप ले जानी है। रेंट एग्रीमेंट आपने साथ में ले जाना है, जिसको आप पहले से ही नोटर का मैं एड्रेस डाल दूंगा, नोटर कैसा ऑफिस होता है वो भी बता दूंगा, उसके अंदर जाके आपने उसको वो करवाना है डिपॉजिट, ठीक है। आपको वो कहेंगे कि आप ये चाहें इसका टैक्स भर के आएँ, ठीक है। वो जो फीस होती है आपके कार्ड की वो उसमें मेंशन होती है एप्लीकेशन में, वो आप ले जाके उसको देंगे इनके, उसका भी मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ अपनी वीडियो के साथ शामिल कर दूंगा। आपने जैसे उस ऑफिस पे जाना है, टैक्स भरना है, और टैक्स भरने के बाद जो है आपने वो दोबारा ले जाके उनको जमा करा देना है गोज इदारसी के ऑफिस में, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और आपकी सारी चीज़ें रेडी हैं, वो आपको आपको आपके घर पे जिस पे आप रह रहे हैं उसी घर के एड्रेस पे आपको भिजवा देंगे। नहीं भिजवा देंगे तो एक ऑफिस होता है उनका पे डेटे, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान पोस्ट होता है इनका पे डेटे, में आपने जाके वहाँ से कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपसे ये एडवाइस करूँगा कि आपने किसी एजेंट पे नहीं, हाथ नहीं चढ़ना, किसी बंदे के हाथ नहीं चढ़ना, आपने खुद अप्लाई करना है। ईजी प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपका ये हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपने जो है अपना नफूस करवाना है घर का, नफूस ज़रूर करेंगे, नफूस पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, कहेंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताइए, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आप आराम से बना सकते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा डिटेल। इसके ऊपर बड़ी ज़रूरत तो है नहीं कोई बात करने की इतनी लंबी, ठीक है। कम से कम 1.5 साल, उससे पहले कम होगा तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको आपका आईडी कार्ड करा पाकिस्तान वाला चाहिए, ठीक है, वो आप ले जाना है। वहाँ ले जाके आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है, पिक्चर्स वहाँ से ही लेनी है, और इसके अलावा आपने ये सारी चीज़ें ले जाके वहाँ के गवर्नमेंट के ऑफिस में देनी है। वो आपसे कहेंगे इनका टैक्स भर के आओ, टैक्स भर के आप उनको दे देंगे, जिस घर में आप रहते हो उसका नफूस भी करवा लें, नफूस पे वीडियो मौजूद है, कहेंगे अगर आप मुझसे, मैं नफूस पे वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। इस्तांबुल से अप्लाई करेंगे तो जी 1.5 महीने में भी आ सकता है, 6 महीने में भी आ सकता है। इस्तांबुल से किसी दूसरी सिटी में करेंगे तो इंशाल्लाह आपका 1 महीने में भी आ सकता है, उससे कम में भी आ सकता है। इसके अलावा कोई चीज़ चाहिए हो, कोई पूछना हो, कोई मुश्किल हो, इतना बड़ा इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं कि जिसके ऊपर मैं आपसे 1.5 घंटा बात करूँ। जिस तरह लोगों ने अपना चैनल चलाने के लिए 2-2 घंटे आपके साथ बैठ के इसके ऊपर बात की हुई है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन किसी की बातों में ना आइएगा, किसी एजेंट के हाथ में नहीं चढ़िएगा, खुद से करें, जो हो सकता है करें, कुछ पूछना है मुझसे पूछें। इसी साथ दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी अपनी अल्लाह ताला आप लोगों की सेहत अच्छी करे, अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दिखाए, अल्लाह ताला आपके बच्चों की खुशियाँ दिखाए, अल्लाह ताला आपकी और आपके बच्चों की खैर करे, अल्लाह ताला आपकी हर वो मुराद पूरी करे जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, आपके बच्चों की हर वो ख्वाहिश पूरी करे जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, और आपकी आपकी पसंदीदा जगह पर आपको ले जाए और आपको अच्छी ज़िंदगी दे। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी मैं आपके साथ ये मैंने वादा किया कि कुछ शेयर करता हूँ जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आपने ये एक डिपार्टमेंट में देख लें, आप इसके चाहें तो सेव कर लें, इसकी आप स्क्रीनशॉट रख लें, ठीक है। इस इदारे की तरह जैसे गोच गोक इदारसी लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस जगह पे आपने जाके अपनी एप्लीकेशन वगैरह डालनी है। इसमें एक चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ, ठीक है, वो ये है आपका इंश्योरेंस वो होता है, ठीक है, छोटे बच्चों का नहीं होता, बड़ों के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबका इंश्योरेंस होगा, ठीक है, ये आपने करवाना है। और ये एप्लीकेशन और आपका पासपोर्ट जो कि 1.5 साल तक वैलिड होना चाहिए, और उसकी सारी चीज़ें जो है ना आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, सारा कुछ मैं बता चुका हूँ आपको। ये सब करके इस इदारे में जाना है, या तो पहले सबसे पहले ही तुर्की जाते ही सबसे पहले इस इदारे में जाएँ, इनसे कहें भाई हमें एक लिस्ट दें, उस लिस्ट में क्या क्या शामिल होता है वो हमें बताएँ, तो वो आपको बताएंगे कि भाई ये आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, सही है, वो आपको गाइड भी कर देंगे। चलें नेक्स्ट चलते हैं दूसरी इमेज की तरफ। देन उसके बाद आपने ये करना है कि जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएंगे, सारी चीज़ें दिखा देंगे, तो वो आपसे कहेंगे कि भाई इसको आप जो है ना वो करवा के लाएँ, मतलब आपने आपका जो पासपोर्ट है या जो आपका रेंटल एग्रीमेंट है
उसको ट्रांसलेट करवाना होता है दूसरी लैंग्वेजेस में, जैसे कि तुर्की है, तुर्की टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू तुर्की है, ये सारा काम यही होता है। और उस पर स्टैम्प्स वगैरह लगते हैं और पूरा कानूनी काम होता है, सरकारी काम होता है। बेसिकली वहाँ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो इसी इदारे से होते हैं, नोटर। तो ये देखें 20 लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से 1 2 3 4 5 करते हुए तकरीबन 20 तक इनके शहर के अंदर अंदर इनके नोटर ऑफिस होते हैं। ये आप किसी भी कैब ड्राइवर को बताएंगे तो ये आपको दिखा देंगे, ये वाला यहाँ ले जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम इसमें दिक्कत इतनी होती नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब ये सारी चीज़ें करवा ली, आपने जाके उस इदारे में दोबारा, अगेन मैं इस पे आता हूँ, ठीक है, इस इदारे में आपने आके दिखा देना है कि भाई हमने जो है वो नोटर वगैरह करवा लिया, सारी चीज़ें करवा दी। तो ये आपसे कहेंगे चलें आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके अंदर आपने जो है ना वो भर दिए हैं, इसके अंदर पैसे मौजूद हैं, पेमेंट सरकारी गवर्नमेंट फीस को आपने अदा करनी है, वो कहाँ अदा करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ये यहाँ पे इस इदारे में आप चेक करवा लेंगे तो उसके बाद आपको जाना है इनकम टैक्स, उनका जो जहाँ भरा जाता है वो ये इदारा है। ठीक है, ये देख लें बोर्ड, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये आप यहाँ पे जाएंगे, ये अब्जिलार में है, ठीक है, अब्जिलार इस्तंबुल में, लेकिन ये कहीं पे भी पूरे पूरे तुर्की में मौजूद है और पूरे इस्तंबुल में मौजूद है, जगह जगह एरिया वाइज कहीं से भी जाके आप इसके इनकम टैक्स पे करके अपनी एप्लीकेशन जो आप वहाँ पे जमा करानी है उसको आप टैक्स भरने के बाद जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसी ऑफिस से आपसे जो है ना इनकम टैक्स नंबर मिल जाएगा तो आप अपना बैंक में अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, किसी भी बैंक में। आप वहाँ पे कुछ बैंक्स हैं उसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा आपके साथ तफसील में कि कौन कौन से बैंक्स अच्छे हैं और कौन से जो है ना क्या क्या फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक बाद में वीडियो बन जाएगी, लेकिन ये कि बैंक आपका अकाउंट यहाँ से खुल जाएगा टैक्स नंबर मिलने के बाद, वो सिर्फ आपसे आपका पासपोर्ट देखते हैं और आपको जो है ना करके आपका अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाके करवाने के बाद सारी चीज़ें करके आपने वहाँ पे दोबारा जाके जमा करा देना है। ठीक है, तो ये मेरी शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए हाजिर है जिसमें मुझे नहीं लगता इतना कुछ करने की ज़रूरत थी कि मैं आपसे कहता ऐसा कर लें वैसा कर लें, तो मतलब ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका काम बड़े आसानी से हो जाए और इसमें जो काम इजी हो सकता है उसको लेंदी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सारा प्रोसेस आपके सामने है, और भी कोई चीज़ की कमी पेशी हो तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है, मुझे बता दीजिएगा, मैं हाज़िर हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन और शेयर कर दिया दोस्तों के साथ, और लाइक करेंगे तो खुशी हो जाएगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।